नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। धनबाद के टुंडी प्रखंड के चैनपुर के लोगों की खेती करने में मदद कर रहा टाटा ट्रस्ट, फिर भी किसान मुसीबत में, कोई खरीदार ही नहीं। ऐसे में भला करे तो क्या, देखते हैं किसानों ने क्या कहा। ये आम के पौधे देख रहे हैं आप, बहुत सारे हैं, सैकड़ों है, लगभग 200-300, लगभग 400 आम के पेड़, छोटे छोटे पौधे हैं। और कहीं पे मिर्च की खेती हो रही है, तो कहीं बैंगन की खेती हो रही है, कहीं तरबूज की खेती है, ये सब चीज़ की खेती हो रही है। ये चैनपुर बस्ती है ना, ग्राम पंचायत मछियारा, टुंडी प्रखंड का ग्राम पंचायत मछियारा। ये देखिए पहाड़ के नीचे, पहाड़ की तराई में बसा हुआ क्षेत्र है, ये जंगली एरिया है। और मछियारा पंचायत के मुखिया जी हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? श्रवण टुड्डू है। और बताइए मुखिया जी, इतनी बड़ी खेती लोग कर रहे हैं, तो किसी को जानकारी है? ये मतलब सरकारी विभाग में जानकारी है। हाँ, किसको है? कोई आते हैं देखने के लिए, छिड़काव करने के लिए पौधों को कुछ देते हैं? जब लॉस होता है तो कुछ मिलता है? मतलब जैसे हम लोग इसमें, हम भी अवेलेबल है, नरेगा से मतलब ट्रेज कटवाए हैं। आप भीड़ नहीं है इसलिए थोड़ा आप उसको नीचे करके बोलिए। हम लोग नरेगा के माध्यम से अच्छा करवाए हैं, समूचा उठा गया है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, बिजी में हो जाता है, तो इसलिए हम भी उतना बराबर नहीं घुस पाते हैं। समय मिलता है तो देख ही लेते हैं। हमारा पंचायत भवन मछरा पश्चिमी छोर में है, जाते समय यहाँ लगेसर की यहाँ वाले हैं, उनके यहाँ बैठते हैं, सब सब्जी के बारे में, पौधा के बारे में हाल समाचार लेते हैं। तो इन लोग को किसी प्रकार का लोन वगैरह का सुविधा मिला है क्या? हाँ, मतलब जो अपना श्रमदान भी किया है, जैसे पानी मतलब डैम से सप्लाई हो रहा है। कौन सा डैम में? चैनपुर डैम से पानी इन लोगों को मिल रहा था सप्लाई। तो ये तो ऊंची नीची जमीन है, तो यहाँ कैसे आता है पानी डैम का? मशीन लगा हुआ है, टंकी बना हुआ है, टंकी बनाया हुआ है। सोलर के माध्यम से बिजली तो बराबर रहती नहीं है, सोलर के माध्यम से। ये कितने दिनों से ये खेती चल रही है? 2 साल अभी, ठीक है, 2 साल। अच्छा, ये यहाँ का पब्लिक है, लगनशील है खेती करने में, मेहनत में। पूरे पंचायत में यहाँ एक है और दूसरा है पत्रुबाद। अच्छा, और उसके बाद अभी मन लगा के लगाए हैं, कई नारायण का लड़का मनोज आए, उसका भी तरबूज लगाया है। हम भी कई मरते गए, उसका खेती देख के हमको भी, हम भी उसको सलाह दिए कि जो भी होगा मदद सरकार की ओर से। भाई उसको तो बहुत हानि हो रही है, उसका माल नहीं उठ रहा है। वो तो देखिए लॉकडाउन के चलते ही हर चीज में दिक्कत है। नहीं तो ये आप बताइए जाके सरकारी अधिकारी को, किसी को बताइए, आप वीडियो को बताइए कि हमारा ये इस प्रकार माल सड़ रहा है, इसका कोई उपाय क्या होगा, ये पूछिए जाके उनको। अवगत हम लोग कराते हैं, लेकिन इसका कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ है? इंश्योरेंस नहीं हुआ है? केसीसी लोगों को मिला है क्या? केसीसी कार्ड है ना? केसीसी कार्ड है, सबका प्लान इसका नहीं बना है। नहीं क्यों? अच्छा, ये आपका टाटा कौन है? टाटा ट्रस्ट है। कौन चलाता है टाटा ट्रस्ट? टाटा वो अपना क्या परसेंटेज के मुताबिक जहाँ पिछड़ा रहा है बोर्ड में पूरा लिखा हुआ है, बोर्ड हमने बनाया है। हाँ, उसमें पूरा क्लियर आपको। अच्छा, चलिए ठीक है आपका। तो ये टाटा ट्रस्ट नाम की एक संस्था है, जिसमें कि जो कुछ कमीशन बेस्ड इन लोगों से खेती करवाते हैं। हाँ, और उसका क्या लेते हैं अभी हमें नहीं पता चल पाया है, उस टाटा ट्रस्ट वालों से अगर मुलाकात होगी तो हम बताएंगे। लेकिन ये काफी सराहनीय है, भले ही अभी इनको क्षति हो रही है मिर्च अच्छी बारिश की वजह से, अधिक बारिश की वजह से, ओले गिरने की वजह से मिर्च की खेती प्रभावित हुई है, लॉकडाउन के वजह से इनका ये तरबूज का मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका मेहनत
काफी प्रभावशाली है और ये इमेज इनका बनाता है कि काफी मेहनती है ये, और जो बाकी जगह है इनका खेत जो इनका खाली है वहाँ भी अगर खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो काफी अच्छा होगा। मेहनत में भरपूर। हाँ, आपको झारखंड टीवी से अशोक कुमार, अंबिका मिश्रा, साथ में वीडियोग्राफर मृत्युंजय।